ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का काल के कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन पास्का रहस्य हमेशा ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है। हर मिस्सा बलिदान में हम इस रहस्य की विभिन्न पहलुओं पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाए जाते हैं। आज वचन में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए यूदास निकलता है, तो प्रभु उस घड़ी को अपने पिता को महिमान्वित करने की घड़ी मानते हैं। क्रूस अब निकट है, प्रभु उसे महिमा का साधन मानते हैं। प्रभु यीशु अपने पिता को आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसके लिए उन्हें अपने को दीनहीन बनाना पड़ता है। पिता इससे प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महिमान्वित करते हैं। इसी कारण फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर था और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके क्रूस का मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। आज ख्रिस्तीय जीवन का यही सच्चाई है कि हम दीनहीन बनकर महिमान्वित किए जाते हैं, हम खोकर पाते हैं, मरकर जीते हैं। क्रूस मरण से पुत्र अपने पिता को महिमान्वित करते हैं, तो पुनरुत्थान के द्वारा पिता अपने पुत्र को महिमान्वित करते हैं। इस प्रकार पिता और पुत्र एक दूसरे को महिमान्वित करते हैं। एक दूसरे को समझना सर्वोच्च ईश्वर का हमारे लिए एक महान उदाहरण है। जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वे एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। जहां सच्चा प्यार नहीं है, वहां जलन, ईर्ष्या तथा शत्रुता जन्म लेते हैं। उन बुराइयों के कारण दुनिया में दुख संकट बढ़ता है। जहां प्यार नहीं है, वहां ईश्वर को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु दुनिया में अपने कार्य को पूरा करके अपने परमपिता के पास लौटने के पहले अपने शिष्यों को पारस्परिक प्रेम की आज्ञा देते हैं। इसके लिए वह अपने ही प्रेम का नमूना देते हैं, जिस निस्वार्थ भाव तथा लगन से उन्होंने अपने शिष्यों को प्यार किया था, उसी भावना और लगन से शिष्यों भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पारस्परिक प्रेम को ख्रिस्तीय विश्वासियों की पहचान ठहराया है। संत जोहन अध्याय 13 वचन संख्या 35 कहता है, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। सच्चा प्यार बलिदान के बिना असंभव है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस विश्वासियों को ढड़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते हैं कि उन्हें बहुत से कष्ट ईश्वर के राज में
प्रवेश करने के लिए सहना पड़ेगा। विश्वासियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रकाशना ग्रंथ विश्वासियों को बड़ी आशा दिलाता है। वचन कहता है, यह आकाश और पृथ्वी दोनों लुप्त हो जाएंगे और समुद्र भी नहीं रहेगा। बाइबल में समुद्र परेशानी और बेचैनी के प्रतीक हैं। यह परेशानी और बेचैनी हट जाएंगी और एक नया आकाश और नई पृथ्वी दिखाई देंगे। उस जमाने की ये विशेषता रहेगी कि उस समय ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख। ये सब बीती हुई बातें रहेंगे। इस आनंदमय युग में प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है, प्रेम का रास्ता। ईश्वर प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। जो प्यार करता है वह ईश्वर के करीब है। ख्रिस्तिया वही है जो ईश्वरीय प्रेम में जीता है। जब हम इस प्रकार की आशा रखते हैं तो हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। वास्तव में मृत्यु के समय हम ईश्वर को अपने जीवन का पूरा नियंत्रण सौंप देते हैं। प्रभु यीशु निडर होकर यरूशलेम की ओर यात्रा करते हैं और वहां क्रूस ग्रहण करते हैं। वह अपने शिष्यों को भी चुनौती देते हैं। वे भी अपने अपने क्रूस उठाकर उनके पीछे चले जाएं। पुनरुत्थान की ओर यह एकमात्र रास्ता है। क्रूस ही ईश्वर को महिमान्वित करने की एक साधन है। उसी में हमारी मुक्ति है, क्योंकि क्रूस में प्यार सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचता है। आइए हम अपने जीवन में प्यार को प्राथमिकता देने तथा ईश्वर को अपने मन, वचन, काम से महिमान्वित करने का अपना दृढ़ संकल्प प्रभु के पास रखें।